हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SPSC सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपके वेरियस पोस्ट के लिए, जहां पर फ्रेंड्स प्रेसमैन की वैकेंसी आपकी रहेगी, बाइंडर 2 के लिए वैकेंसी है, स्क्रीनमैन की वैकेंसी है, असिस्टेंट पेसमैन की वैकेंसी है, मैकेनिक ग्रेड 2 की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट इन आयुर्वेद एंड फार्मासिस्ट इन होम्योपैथी की वैकेंसी यहां पर आपकी रहेगी। तो इनके लिए फ्रेंड्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। आप वहां पर विजिट कीजिए और इसकी डिटेल को चेक कीजिए। और अब बात कर लेते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑनलाइन पोर्टल पर आपको आना होगा अप्लाई करने के लिए, जिसका लिंक फ्रेंड्स इसके होम पोर्टल पर यहां पर आपको दिया गया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर jobrasta.com पर इसके अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर इसके जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, साथ में इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड जो ये पोर्टल है, इस पर आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं पहले से ही SPSC के पोर्टल पर, तो आप सीधे ही यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, आपके रजिस्टर मेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पहली बार यहाँ पर इस पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसके लिए आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको आपकी बेसिक जानकारी यहां पर फिल करनी है। तो ये भी आपका 2 स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट यहां पर आपका ओपन हो चुका है, जिसमें सबसे पहले आपको यहां एंटर करनी है आपकी वैलिड मेल आईडी, तो यही आपका यूजर नेम भी रहेगा, तो इसलिए मेल आईडी आपको सही डालनी है। इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड यहां पर आप कैसा जनरेट करेंगे, तो पासवर्ड में फ्रेंड्स कम से कम एक नंबर एस स्पेशल करेक्टर आपका यहां पर होना चाहिए, बाकी आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड यहां पर जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको जो पासवर्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर पासवर्ड की जो लेंथ है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो भी पासवर्ड है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं, और ऐसे ही पासवर्ड को आपको यहां पर करना होगा कन्फर्म। जैसे ही पासवर्ड आपका कन्फर्म करेंगे, अब आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी, जैसे आपका यहां पर नाम क्या है वो नाम आपको यहां फिल करना है। इसके बाद आपकी DOB क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहां से फ्रेंड्स आप अपनी DOB सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका जेंडर ऑप्शन, तो आपका जो भी जेंडर है वो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फादर नेम क्या है वो आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद आपका मदर नेम आपको यहां फिल करना है। आपके फादर का या मदर का ऑक्यूपेशन आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड होल्डर, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कीजिए। आपके पास सिक्किम के रहने का क्या आइडेंटिफिकेशन होल्डर आप हैं या नहीं है, आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, वो आप यहां पर बता सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहां फिल करनी होगी। इसके बाद आपका एड्रेस क्या है, तो आपका जो स्टेट है सबसे पहले वो आप चूज करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट यहां से चूज करेंगे, आपका विलेज या टाउन का नाम, जो भी जहाँ का आप निवासी हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपकी लोकलिटी क्या है, आपका लैंडमार्क क्या है, मतलब आपके घर के आसपास कोई भी लैंडमार्क है तो वो आप दे सकते हैं देना चाहें तो। आपका पिन कोड नंबर क्या है, तो वो पिन कोड आपको यहाँ फिल करना होगा। और यदि आपका एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस से सेम है, आप सेम इस पर क्लिक कीजिए। यदि ये अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर ऑप्शन दिया गया है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहां फिल कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC ST जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन या होम गार्ड है 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए, आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो यस या नो कर सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन हैं तो यस कीजिए। यदि फ्रेंड्स आप यहां पर यस करते हैं, तो कैसे आप यहां पर इंडियन सिटीजन हैं तो वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपने किसी भी स्पोर्ट्स कल्चर प्रोग्राम में अपने स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो आप यस कर सकते हैं, और उसकी जानकारी आप इस सेक्शन में फिल कर देंगे, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। यदि आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करेंगे। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप यहां से कि PH कैटेगरी आपकी क्या है, परसेंटेज और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, नहीं है आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा फ्रेंड्स कभी भी कन्विक्टेड किया गया है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी, आप जिस भी ऑप्शन में एलिजिबल हैं यस कीजिए, नहीं है नो कीजिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है वो आप यहां फिल कर देंगे, और उसका जो एड्रेस है आप कॉमा लगाकर लिख देंगे।
आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको फिल करना है, आपका एग्जामिनेशन कौन सी पास आउट किया है आपने, तो आपको यहाँ देखिए लिस्ट दी गई है, आप इनमें से कोई भी जो भी आपने यहाँ पास आउट किया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे तक आपको पीजी डिग्री तक देखने को मिल जाती है। अगर आप सिंपली 10, 12 या 8वीं पास हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिस्ट में नाम मिल जाएगा, जिसमें आप 8th, 7th, 9th, 6th तो सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट्स है या स्पेशलाइजेशन है वो किस सब्जेक्ट में है वो आप यहाँ बता देंगे, आपके मंथ ऑफ पासिंग आपको यहाँ बताना है और इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर बताना है, तो ये आप यहाँ फिल कर देंगे। नीचे अगर फ्रेंड्स आपको दिया है ऐड मोर का ऑप्शन, यदि फ्रेंड्स आप एक से ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशन को मतलब यहाँ पर मल्टीपल और जो क्वालिफिकेशन है उनको ऐड करना चाहें तो आप ऐड मोर पर जाकर उनको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़िए। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस का या सर्विस डिटेल का ऑप्शन है, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है आप नो रहने दिए, सारा ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं यस कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है तो यस कीजिए, आपको यहाँ पर ये डिटेल फिल करनी होगी। यदि नहीं है आप नो कर दीजिए, आप नॉन गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट वाले ऑप्शन में डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप इन ऑप्शन में क्या चूज करते हैं। तो इसके बाद इस सर्विस डिटेल का जब ऑप्शन आप फिल कर देंगे, आपको जो ये सिक्योरिटी कोड दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड आप फिल करेंगे, यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सेकंड स्टेप है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्टिवेट या ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में, और जो दोबारा से कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ पर इसको फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद अब आपको यहाँ पर जो ये लॉगिन सेक्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो लॉगिन पोर्टल है ये आपका ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले ऑफिस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपकी रजिस्टर मेल आईडी क्या है वो आपको यहाँ फिल करनी है, और आपने जब रजिस्टर किया होगा तब आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट किया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आप एक कैप्चा कोड डालकर लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ आपकी फोटो शो कर जाएगी। आप यहां पर चाहें तो आपके अकाउंट सेटिंग को इसमें व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, आपकी फोटोग्राफ को चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको यहां पर माय एप्लीकेशन सेक्शन मिलता है, मतलब जो जो एप्लीकेशन के अप्लाई करेंगे वो सेक्शन आपको मिल जाएगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो कि ऑनगोइंग वैकेंसीज होंगी वो आपको यहां देखने को मिलेंगी, आप इस सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है ये आपका ओपन हो जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेसमैन के लिए अप्लाई करना चाहें, आप बाइंडर के लिए अप्लाई करना चाहें, आप मल्टीपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीपल के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप सिंगल के लिए करना चाहें सिंगल के लिए भी कर सकते हैं। आपको यहाँ जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है उसके आप गाइडलाइन को पहले पढ़ लीजिए, और इसके बाद फ्रेंड्स आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप चाहें जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना उनको आप चूज कर सकते हैं। आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना होगा, और ये चूज करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको एक सेक्शन मिलता है अप्लाइड सेलेक्टेड पोस्ट का, मतलब आप इन पोस्ट के लिए सेलेक्ट जो आपने की हैं उन पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पर आप इसका जो लास्ट में पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करना है, और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे जो कि बिल डेस्क है वो आपको चूज करना है। आपको यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी कोड दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड फ्रेंड्स आपको फिल करना होगा, और उसके बाद दिए गए इस पे वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सके, अब यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको सभी डिटेल बता दी है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है और क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं फॉर्म को फिल करते वक्त। इससे पहले फ्रेंड्स आप अप्लाई करें, इससे पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से पढ़ लें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपको जो स्टेट की लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, और जो आप सिक्किम के अगर निवासी हैं तो आपके लिए वैकेंसी अच्छी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।